विटामिन डी हो या और सारे विटामिन, हमारी बॉडी के लिए ये सब आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यही हमारी बॉडी को एक्टिव एनर्जेटिक बनाते हैं और साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोरोना के बाद तो हम इतना डर गए हैं कि हमें लगता है कि सारे विटामिन हमारी बॉडी में होने चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। संस्कृत में एक प्यारी सी लाइन बोली गई, अति सर्वत्र वर्जित। तो हमारे बॉडी में ओवरडोज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी चीज का हो। इससे बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि विटामिन डी की ओवरडोज से आपको क्या क्या हो सकता है। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंगे जिंदगी। विटामिन डी की कमी से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम, या फिर आपकी हड्डियां बहुत कमजोर होने लगेंगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रह जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। तो आपको विटामिन डी की कमी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी की अधिकता से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चलिए बताएं, विटामिन डी की अधिकता से किडनी फेल भी हो सकती है। क्या आपको पता है, अगर आपने विटामिन डी की अधिकता कर ली ना अपनी बॉडी में, अगर आपने बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स खा लिए, तो आपकी किडनी फेल भी हो सकती है, उसमें किडनी स्टोन भी हो सकता है। तो इसलिए विटामिन डी की अधिकता ना हो, इसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेकर ही आपको विटामिन डी खाना चाहिए। और विटामिन डी की अवधि कितने कितने समय में खानी चाहिए, इस चीज का भी नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर विटामिन डी के कैप्सूल्स जो दें वो हफ्ते में एक बार दें, या हो सकता है दो बार दें। ये डॉक्टर के परामर्श से ही आप ले सकते हैं। क्या आपको पता है, विटामिन डी की अधिकता से कैल्शियम भी अधिक हो जाएगा, और कैल्शियम की अधिकता से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि भूख कम होना, कब्ज की शिकायत, अवसाद होना, सिर दर्द होना, याददाश्त से जुड़ी समस्याएं, बार बार प्यास लगना, थकान महसूस होना, ये सब बीमारियां हमें ज्यादा कैल्शियम की वजह से होने लगती है। तो हमारा कैल्शियम लेवल भी बढ़ जाता है, तो हमें विटामिन डी डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए। फेफड़ों को हानि पहुंचाना, जी हाँ, अगर कैल्शियम अधिक हो गया, विटामिन डी अधिक हो गया, तो हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। विटामिन डी की अधिकता से पेट संबंधी समस्याएं भी आ जाती है, जैसे कि उल्टी आना, जी मचलाना, कब्ज जैसी बीमारियां, गैस फील होना, अपच होना, बहुत सारी बीमारियां। तो हमें विटामिन डी की अधिकता नहीं होने देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारे हेल्थ में विटामिन डी का इंटेक बहुत ज्यादा तो नहीं। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से पहले इस चीज को ध्यान रखें कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने से अच्छा है कि आप धूप में प्रॉपर धूप, जो मॉर्निंग की धूप होती है ना, उसमें आधा घंटा जरूर दें। इससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है और आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे और नेचुरल धूप लेंगे तो आपको विटामिन डी की अधिकता नहीं होगी। तो हमें नेचुरल धूप से ही विटामिन डी लेना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और हाँ, अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और अपना एक टेस्ट कराएं, जिसमें कि आपके विटामिन डी का लेवल पता चल जाएगा कि आपका विटामिन डी कम तो नहीं या अधिक तो नहीं। ये टेस्ट कराने के बाद ही आप डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि आपको विटामिन डी की अधिकता तो नहीं। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।